हाँ जी। नमस्कार साथियों, आज करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट लास्ट पार्ट, जहाँ पर बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड सॉइल इरोजन। फाइन क्लास, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉइल, दैट इज़ आपका एलोवियल सॉइल। भैया जो एलोवियल सॉइल है बेटा आपका, ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल, ये बेटा आपकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा फैली हुई और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स। ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको ये शॉर्ट नोट्स बनाया ताकि आपको फटाफट से टॉपिक कवर हो जाए। द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ दिस सॉइल, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन बेटा जो है आपके, वो इसी मिट्टी से आपके बने हुए हैं। और ये जो मिट्टी है आपको अक्सर कहाँ मिलेगी, ये मिट्टी बेटा आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको द इंडस नदी के पास, द गैंजस यानी कि द गंगा और द ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियों के पास बेटा आपको ये मिट्टी सबसे अधिक मिलेगी आपको ये, ठीक है। आल्सो फाउंड ये बेटा आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जो कि आपकी महानदी द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी के डेल्टास में है, यहाँ भी आपको ये मिट्टी बेटा मिलेगी आपकी ये, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, एलिवल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रपोर्शन ऑफ सैंड। अब जो मिट्टी है बेटा ये मिलके बनी है आपकी, मिट्टी सैंड से, सिल्ट से एंड क्ले से, ठीक है। ये सब बेटा आपको पता होना चाहिए, ये सब बेटा आपको इसमें बेसिक होना चाहिए आपको ये। इसी तरीके से बेटा आपको ये लिख के आने अपने पेपर में आपके ये नोट्स। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बेटा कैटेगराइज करते हैं एलेवल सॉइल को, तो अपनी एज के अनुसार ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। ओल्ड एलेवल यानी कि बेटा बांगर, और न्यू यानी कि आपकी खादर। न्यू कौन सी है? खादर। ओल्ड कौन सी है? बांगर। द बांगर सॉइल हैज़ द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन खादर, ठीक है। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगर, ठीक है। अगर हम बेटा बात करें आपकी नॉर्मल बेटा हम बात करते हैं इसकी, आपकी जो बेटा ये मिट्टी है, तो ये बताया जा रहा है इसके अंदर कि बेसिक बेटा यहाँ पे आपकी, यहाँ पे नॉर्मली आपकी बात चल रही है कि द बांगर सॉइल बेटा जो होती है इसमें आपका हायर कंसंट्रेशन किस चीज़ का? आपका कंकर नोड्यूल्स का। ये काफ़ी फर्टाइल भी आपकी होती है आपकी। नेक्स्ट बेटा आपकी आती है इसमें एलिवल सॉइल्स की बात करें, एलिवल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। अगर हम बेटा पूरी एलोवेरा सॉइल की बात करें, तो बेटा ये काफ़ी बंजर तरह की मिट्टी है आपकी ये। इट कंटेन्स एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ पोटैश, बेटा इस मिट्टी में पोटैश मिलेगा आपको, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, लाइम मिलेगा, विच आर आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, ठीक है। ये जो मिट्टी बेटा ये शुगर केन, पैडी यानी कि राइस, वीट एंड पल्स क्रॉप के लिए काफ़ी बेहतर साबित होती है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। देखो अगर हम बेटा नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, तो यहाँ बेटा आपके आते हैं यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन यहीं पर होती है आपकी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले लोग स्टेट बेटा आपके यहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक बेटा आपका था एलुवियल सॉइल के बारे में। नेक्स्ट बेटा हमारी आती है काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल, जिसको बेटा हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं, या इसको बेटा हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉटन उगाने के लिए सबसे प्यारी मिट्टी, सबसे बड़ी मिट्टी होती है, ठीक है। और ये काले रंग की होती है आपकी, ब्लैक कलर की होती है। क्लाइमेटिक कंडीशंस अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये जो बेटा काली मिट्टी है, ये इसके बनने के पीछे आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस का बहुत बड़ा हाथ यानी कि उसका योगदान आपका होता है, ठीक है। प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज, इन बेटा जगहों पर आपको क्या मिलेगी? यहाँ बेटा आपको मिलेगी ये मिट्टी। ये मिट्टी यानी कि मिट्टी का मतलब क्या है? मिट्टी मतलब हम बेटा यहाँ पे ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोग जो पॉइंट पे आते हैं हमारा, एक मिनट जरा, आप जरा एक मिनट बस, एक टॉपिक थोड़ा मैं बेटा मैं आपको ठीक कर दूँ जरा। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे प्लेटूज ऑफ, हाँ ये तो हो गया बेटा हमारा। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है इसी की ब्लैक सॉइल की बेटा हमारी बात चल रही है कि इट मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल, समझ रहे हो, चिकनी मिट्टी से बेटा एक तरीके से बनी होती है ये बेटा, मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए जानी जाती है, कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ठीक है। ये बेटा आपके न्यूट्रिएंट्स में सच एस कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम में काफ़ी रिच होती है, मतलब इस बेटा मिट्टी में आपको इन सब चीज़ों की मात्रा मिलेगी। और ये पुअर किस में है? इट इज़ जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स,
दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, ठीक है ना, ये बिल्कुल मिट्टी टूट जाती है जब इसमें आपका गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बेटा आपकी ये कुछ कुछ क्रैक्स पड़ जाती हैं इसके अंदर, और ये मिट्टी बेटा काफ़ी स्टिकी, यानी कि सॉइल सा काफ़ी स्टिकी होती है आपकी ये। वॉट इज नेक्स्ट सॉइल? नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल्स, नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल्स। सो डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जिन बेटा क्षेत्रों में आपके लो रेनफॉल होता है, यानी कि जो ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स हैं डेक्कन प्लेटो के, वहाँ पे बेटा आपको मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? रेड एंड येलो सॉइल फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, ये बेटा आपको मिलेगी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन, ठीक है। दिस सॉइल डेवलप्स अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉस, इसके अंदर बेटा एक आपको लाल कलर मिलेगा। आप सभी जानते हैं रस होता है ना, रस्ट जो होता है आपका जो निकलता है आयरन से आपका, ये उसी बेटा कारण आपको इसका लाल कलर मिलता है आपका। ये लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, जब बेटा इसमें होती है हाइड्रेट हो जाते हैं तब बेटा आपको ये येलो रंग का नजर आता है, ठीक है बच्चों। ये थी बेटा हमारी रेड एंड येलो सॉइल। नेक्स्ट इज लैटरेट सॉइल, ठीक है। लैटरेट एक बेटा लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिक, ठीक है। इट डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है और जहाँ पे होता है हाई टेम्परेचर, वहाँ बेटा आपको ये नज़र मिलेगी बिकॉज ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ठीक है। Suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizer. ये मिट्टी बेटा काफ़ी अच्छी होती है, बट ये डिमांड करती है manures की, ये डिमांड करती है fertilizers की, ठीक है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड आसाम, इन बेटा जगहों पे आपको ये मिट्टी मिल जाएगी लैटरेट सॉइल। नेक्स्ट बेटा आपका आता है, ठीक है, एरिड सॉइल्स, ये बेटा रेड टू ब्राउन इन कलर होती है, जनरली सैंडी होती है टेक्सचर में और सलाइन होती है नेचर में, ठीक है। इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग वाटर, ठीक है ना। इन बेटा मिट्टी से आपका एक तरीके से हम कॉमन साल्ट यानी कि जो होता है नमक वो निकाल सकते हैं, कैसे? इवेपोरेशन से आपका। ये ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, ठीक है ना भाई। क्लाइमेट सूखा है, हाई टेम्परेचर है और ये जो होती है फास्टर, इसलिए बेटा ये मिट्टी जो बेटा आपकी ये ह्यूमस एंड मॉइस्चर को कमी रहती है, इसमें आपकी लैक करती है। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है फॉरेस्ट सॉइल्स, जंगली मिट्टी बोल सकते हैं इसको आप। फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, समझ गए होंगे आप लोग इसका मतलब। सॉइल्स आर लोमी, मिट्टी लोमी होती है, सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप्स, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा मतलब जो पहाड़ों पे जैसे जानते हो बेटा, पहाड़ों की मिट्टी है इसको कह सकते हो आप। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डेन्यूटेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट, ठीक है। ये बेटा मिट्टी स्नो के मतलब दब जाती है, वहाँ से फिर भगती है, निकलती है एक तरीके से आपके लिए। और नेक्स्ट टॉपिक इज एंड लास्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। सॉइल इरोजन बेटा बेसिकली सवाल पूछते हैं, व्हाट इज सॉइल इरोजन, व्हाट इज सॉइल इरोजन, बेटा क्या बोलोगे आप लोग? द डेन्यूटेशन ऑफ द सॉइल कवर, ठीक है ना भाई। देखो क्या है, ये ज़मीन की सतह है, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, ह्यूमिडिटी हो गई है, तो ये जो सतह बेटा जा रही है, हट रही है, ठीक है ना, वॉश डाउन हो रही है, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। द डेन्यूटेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, देखो मिट्टी का भागना, मिट्टी का हटना और आना एक नेचुरल प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, बट ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट बेटा कभी कभार ये जो बैलेंस है, जो है मिट्टी का फॉर्मेशन और इरोजन, ये बेटा कभी कभार डिफॉरेस्टेशन के कारण, ओवर ग्रेजिंग और माइनिंग के कारण बेटा जो है, बेटा ये आपका जो है वो कभी कभार खराब हो जाता है आपका। ये ऑब्वियसली बात है यार, डिस्टर्बेंस तो होती है, इंसान करता है डिस्टर्बेंस आपका। नेक्स्ट पॉइंट बेटा द रनिंग वाटर, अगर पूछें गली क्या है तो द रनिंग वाटर कट थ्रो क्ले ऑयल्स एंड मेक डीप चैनल्स एज गलीज, समझ रहे हो, चिकनी मिट्टी है, जैसे स्पॉट्स पड़ गए तो ये जो आ रहा है ये गली गलाती है आपकी। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन, ये लैंड बेटा जो आता है बिल्कुल अनफिट होता है कल्टिवेशन के लिए एंड इज नोन एज बैड लैंड,
ठीक है, इन चंबल बेसिन, चंबल में बेटा इसको रवाइंस कहते हैं, ठीक है ना। जब आपका लैंड जो है वो ख़राब हो चुका है, वहाँ पे खेती बन नहीं हो पा रही, तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं बैड लैंड। चंबल में कहते हैं उसको रवाइंस। और व्हेन वाटर फ्लोस एज अ शीट कवर, ठीक है ना, पानी बह रहा है, ऊपर की शीट जा रही है और काफ़ी बिल्कुल लार्ज एरिया जो है ना स्लो ऐसे ऐसे जा रही है, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं शीट इरोजन। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये चैप्टर आपके यहाँ पे एंड हो चुका है। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।